غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुर्कों तक अगर जिंदा रह जाए और बतुहान का नाम लेकर अर्तुरुल को पूरा किस्सा सुना दे तो हम अपना मकसद पा लेंगे, दोनों कबाइल दस्तों ग्रेवा हो जाएंगे। कहां मिला था तुम्हें? काराचा हिसार किले के रास्ते में। तुम काराचा हिसार किले क्या करने जा रही थी? जमींदारों से महसूलात जमा करनी थी, वहां जाते हुए मुझे रास्ते में मिला ये। अगर पादरी यहया सिमोन के रूप में है तो वो हमारा भरोसा जीतना चाहेगा। यही वक्त है कि हम पहचाने दुश्मन को। अर्तुरुल ही अलाउद्दीन का जासूस है, मुझे यकीन करना है इस बात का। अर्तुरुल को बेनकाब करने के लिए हम तुर्कुत का इस्तेमाल करेंगे। इसे हर सूरत सराय में ही रखना है हमें। क्या चाहता है वो? अर्तुरुल को जाकर बताओ कि अगर हकीकत जानना चाहता है तो वो कोरपिनार आ जाए। अर्तुरुल को अगर खंजर मिल गया तो वो सच्चाई जान जाएगा। अहमक आदमी, जाकर ढूंढो उसे। मैंने बहुत ढूंढा भाई लेकिन नहीं मिला वो। किसने तुम्हारा ये हाल किया? बेटा, बाबा चाहते हैं कि उनका चेहरा नूर से मुनव्वर होता देखो। उनका चेहरा मेरे लिए जन्नत है, हाय मखादम, जाने दे मुझे। देख लेना बेटा, थोड़ी देर सब्र कर लो बस। सरताज, ये क्या हाल कर दिया आपका? कितनी बेदर्दी से मारा है जालिमों ने। हौसला करो, हमें अपने बेटों का इंतकाम चाहिए। हलीमा खातून,
अपने शहीदों का इंतकाम लेना होगा हमें। हाँ बिल्कुल, हम इंतकाम लेंगे उनसे, हम खून का बदला लेंगे, शहीदों का नहीं जाने देंगे। अर्थुरुल सरदार, हमारे इन शहीदों के कातिलों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे। कबीले का कोई भी शख्स ये ना समझे कि सरदार अर्थुरुल इन शहदा की कुर्बानी रायगा जाने देंगे। वो सफाक कातिल जहां कहीं भी होगा आखिरकार अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। कबीले के बहादुर मर्दों और खवातीन, आर्तुक साहब ने दुरुस्त कहा। अर्थुरुल साहब उन कातिलों के पीछे गए हैं जो हमें इस गम में मुब्तिला करने का सबब है। हमारे 5 बहादुर जवान जंगजू आज शहीद हो गए, जिसकी वजह से पूरा कबीला गम में मुब्तिला है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अर्थुरुल साहब ने जिस जंग की निशानदेही की थी हिजरत से पहले, उनके वादे के मुताबिक यकीनन ये वही खित्ता है, यानी हम सही जगह मौजूद हैं और दुश्मन ने हमें कमजोर करने के लिए अपनी साजिशें शुरू कर दी। इसलिए जरूरी है कि अपने शहीदों का उन दुश्मनों से इंतकाम लें। सरदार के आने तक ओवोस कबाइल की रिवायात के मुताबिक शहीदों का शोक मनाएं। अर्थुरुल साहब अपने जवान जंगजुओं का इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, ये बात जान लीजिए। अर्थुरुल सरदार का कहना है कि शहीदों के जनाजों की तैयारियां मुकम्मल की जाएं। चाहे कुछ भी हो जाए वो जनाजे में जरूर शिरकत करेंगे। अब्दुल रहमान, फरमाइए हलीमा सुल्तान। तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर लीजिए। अर्थुरुल साहब के लौटने पर हम ये जान लेंगे कि वो कौन दुश्मन है हमारे, जिन्होंने जवानों को शहीद किया। फिर जो जरूरी हुआ फैसला करेंगे। जैसा आपका हुक्म हलीमा सुल्तान। मुश्किलात की इस घड़ी में कमी महसूस नहीं होने दी सरदार की। इनके गम का मदावा करके सबकी हिम्मत मेरी पच्छी बांध दी तुमने। दिल रो रहा है अंदर से वालिदा। जानती हूं मैं, कई कबीले की खवातीन हैं हम। चाहे गम के पहाड़ टूट जाए, लोगों की उम्मीद नहीं टूटने देनी। हर मुसीबत में इन लोगों का साथ देना है और इनकी हिम्मत बढ़ानी है। पूरी दुनिया देखेगी काई कबीले का इंतकाम। आ जाओ मेरी बच्ची। असलिहान खातून, कालीन का आपकी मरहूम वालिदा की आखिरी निशानी है। आप इस निशानी को इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं असलिहान खातून? इसे चौलपान खातून के हवाले ना करें, वो हमारे काम का तरीका नहीं जानती। हाँ, हाँ, सही है। मुश्किल हो जाएगा। सरदार जानदार की तरफ से हुक्म है ये खवातीन, आज से ये कालीनगा चौलपान खातून की जिम्मेदारी है और उसके बाद आप लोगों की भी। चावदार कबीले की हुनरमंद खवातीन, आप लोगों की आंखों की चमक और पुरजोश चेहरे बता रहे हैं कि सरदार जानदार के हुक्म से आप बहुत खुश हैं। आज से मैं इस कालीन गाह की और आप सबकी सरपरस्त हूं। जो वक्त गुजर चुका है उसे भूल जाइए, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। हमें मेहनत से काम करना है और ज्यादा कालीन बनाने हैं। मेरे सरताज उराल साहब हमारे बनाए कालीन दुनिया के हर कोने में पहुंचाएंगे। क्या किसी को कुछ कहना है?
जो हो गया उससे इनकार नहीं कर सकते हैं चौलपान खातून। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुबारक हो तुम्हें। जाइए और अपना काम शुरू कीजिए सब। कल कबीले में बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं असलान खातून। सरदार जानदार चाहते हैं कि इसकी तैयारी आप करें। उनकी ख्वाहिश है कि मेहमानों का सुल्तानों की तरह इस्तकबाल किया जाए कबीले में। आखिर कौन है वो मेहमान? अर्तरुल साहब तशरीफ ला रहे हैं कल। हम भी तो देखें आखिर कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें इतना मुतासर कर दिया। ऐसा सोच भी कैसे लिया चौलपान खातून, एक अजनबी है वो मेरे लिए। खाने के वक्त तो तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगा। सरदार अर्तुरुल के उस बूढ़े गुलाम को आजाद कराने पर तुमने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। मुझे तो यही महसूस हुआ। क्या महसूस करती हो तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा है वो और उनका एक बच्चा भी है। अगर अर्तुरुल साहब मुझसे पहले कोरपिनार पहुंच गए तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। या अल्लाह, इस मुश्किल को रोकने में मेरी मदद फरमा। जो भाई को भाई का दुश्मन बनाना चाहते हैं उन्हें नीस तो नाबूद कर दे। मुझे हजरत अली करमुल्ला वजह जैसी ताकत और इस्तेकामत अता फरमा ताकि इस फितने को फैलने से रोक सकूं। अल्लाह, अगर इस राह के अंजाम में कोई जाल मौजूद है तो मुझे उस जाल से तू बचा सकता है। तू ने ही मुझे सरदार बनाया और इन लोगों की जानों की हिफाजत सौंपी। मेरी जिंदगी को उस वक्त तक बख्श दे जब तक मैं अपने शहीद जवानों का इंतकाम न ले लूं। आप फिक्र मत करें भाई, मैं आपको नाउमीद नहीं करूंगा।
अजनबी तुम कौन हो? मुझे अर्तुरुल साहब ने भेजा है यहाँ। उन्होंने कहा था कि तुम उन्हें कुछ बताना चाहते हो, हकीकत जानना चाहते हैं वो पहले। चलो बताओ मुझे, क्या बात करनी है उनसे? गलत कह रहा है ये, अर्तुरुल साहब को यहाँ पर अकेले आना था। इसे हमारी मौजूदगी का कैसे पता चला? अभी मालूम करते हैं। बताओ मुझे, अर्तुरुल साहब के कारवान पर बतुहान ने हमला किया था, किसने बताया तुम लोगों को? पहले हमें बताओ कौन हो तुम और ये सब कुछ कैसे जानते हो? अर्तुरुल साहब तुम जैसे लुटेरों की बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का सबूत चाहिए। अगर जिंदगी चाहते हो तो वो सबूत मेरे हवाले कर दो तुम, वरना जहन्नुम वासिल कर दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब को यहां क्यों बुलाया है? मेरे जवानों तुम ठीक हो? भाई हम ठीक हैं। अब जाए यहां से, लगता है कोई हमसे पहले कोरपिनार पहुंचना चाहता है। वो कौन सा सबूत है बताओ मुझे? खंजर। बतुहान Thank you.
यकीन नहीं आता कि तुम जैसा बहादुर सिपाही अपने दोस्त के लिए इस तरह से आंसू बहा सकता है। अगर तुम इस जगह होते तो तुर्गुत भी तुम्हारे सिरहाने बैठकर इस तरह से आंसू बहाता और रोता नहीं। तो क्या करता? पहले इसके जिम्मेदारों को ढूंढता और फिर यहां आकर आंसू बहाता। और जिम्मेदारों को ढूंढकर क्या करता? जो भी इसके बस में होता, अपने कुल्हाड़े से, तीर से या जो भी चीज इसके हाथ में आती वो सर पर दे मारता और उनको जानो मासिल कर देता। मैं बस इतना जानता हूं कि ये मेरे पास नहीं आता उस वक्त तक जब तक उन लुटेरों की, कातिलों की ईंट से ईंट ना बचा देता। उसके बाद तुम्हारे सिरहाने आकर दुआएं करता और आंसू बहाता? जरूर आता। दुर्गत भाई सिर्फ जंजुओं के सिपा सालार नहीं, ये हमारे कबीले की दिल की धड़कन है। जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया तुर्कुत को मैंने। आपको क्या मालूम कि कैसा है मेरा भाई? इश्क करना तो अच्छी तरह जानता है। आइकिस का नाम ले रहा था बेहोशी में भी। आइकिस इसकी बीवी है या मंगेतर? बीवी थी इसकी। थी से क्या मतलब है? शहीद हो गई और जन्नत में अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अमांडा, क्यों परेशान कर रही हो इसे? बम्सी पहले ही बहुत परेशान और गमगीन है। बम्सी, तुम जैसे बहादुर जवान बहुत पसंद है मुझे। तौबा तौबा, तौबा तौबा। अमांडा, तुम कब वापस आई? आज सुबह ही वापस आई। कौन है ये बहादुर जवान? तुर्गुत, काय कबीले के जंजुओं का सिपा सालार। या अल्लाह, वो दिन कितने अच्छे थे। लकीर पहले मैंने पार की है। मैं ही मनी कर रहा हूं, तुम लोग मैं पहले पहुंचा हूं लकीर पर। अरे वाह, अब हम जा रहे हैं। दुआन भाई कहां हो तुम? आखिर कहां चले गए हो दुआन भाई? जमीन खा गई या आसमान पिघल गया तुम्हें? तो वो या अल्लाह, तू मेरे दुआन भाई को हमारे पास वापस भेज दे। आकर तुर्गुत की हालत देखे वो। दुआन भाई, हमें दुश्मनों ने और मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उस मरियल घोड़े की मैं तुमसे पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैंने तुम्हें आला नस्ल का घोड़ा खरीदने का हुक्म दिया था और तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो। तुमने मेरे दिए हुए सिक्के याशी में उड़ा दिए और मेरे लिए ये घोड़ा खरीद के लाए हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे रवाना होने तक मुझे आला नस्ल का घोड़ा नहीं मिला तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा, भूखा मार दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना खटिया आदमी। तुम ठीक तो हो भाई? कौन था ये आदमी और इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था? अगर मैंने उसका घोड़ा लाकर ना दिया तो वो मुझे जलील नहीं करेगा, जान से मार देगा। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारो मेरे भाई। आ जाओ, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें करना क्या है। चलो मेरा भाई, परेशान ना हो। एक बात बताओ, तुम कहां के रहने वाले? मैं सब बताता हूं तुम्हें। तुम्हें लगता है कि इसकी जिंदगी बच पाएगी मारिया? यकीनन बच जाएगी इसकी जिंदगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी।
ये नौजवान जचेगा तुम्हारे साथ? मुसलमान है ये, तुम जानती हो अमांडा। क्या पता ठीक होकर सीधे रास्ते पे चल पड़े और यसू का पैरोकार हो जाए। बेचारा तुर्क, बहुत जख्म है इसके जिस्म पर, मुश्किलात में जिंदगी गुजरी होगी। कौन कर सकता है इतना जुल्म? खुदा ही जाने। जुल्म की इंतहा के लिए तो मंगोल ही मशहूर हैं, या फिर वो शैतान के जेल है। किसकी बात कर रही हो? उन सलीबियों की जो शैतान की इबादत करते हैं, वो दरिंदे जो यसू की शफकत से बिल्कुल बेबहरा हो चुके हैं। दुकान जाना है मुझे, शाम को मिलते हैं। इतने अरसे बाद मिले हैं, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। मेरे लिए वो खुशबू लेकर आई तुम? सब्र करो, आज रात ले आऊंगी मैं। हो सकता है कि उस खुशबू से तुर्कुत होश में आ जाए और आशिक बन जाए। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा अमांडा। वालिदा, तुर्कुत को सराय में छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि अर्तुरुल कभी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ता। तुर्कुत को वहां छोड़ने की कोई माकूल वजह जरूर होगी। ऐसा कैसे हो सकता है वालिदा? तुर्कुत को जख्मी हाल में उन अनजान लोगों के पास कैसे छोड़ सकते हैं? मंजिल जितनी करीब आएगी, दुश्मन उतना ही जंगली भेड़ियों की तरह हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। अगर इस दुश्मन को मात देनी है तो अपनी तलवार या तीर से नहीं, बल्कि हमें दुश्मन के जाल में उसी को फंसाना होगा बेटी, तभी इस जंग में हमारी जीत होगी। क्या पता सरदार अर्तुरुल ने कोयल का तर्ज अमल अपनाया हो बेटी। कुछ समझी नहीं मैं। कोयल खामोशी से दूसरों के घोंसलों में खुद के अंडों को चालाकी से रख देती है, जानती हो क्यों? क्योंकि अंडों में से जब बच्चे निकलें, तो जिंदगी की शुरुआत से ही जिद्दोजहद करें। अंदर आ सकता हूं मैं हलीमा सुल्तान? आ जाओ अब्दुल रहमान। शहीदों के जनाजे तदफीन के लिए तैयार है हलीमा सुल्तान, लेकिन अर्तुरुल भाई अभी तक नहीं पहुंचे। अगर उन्होंने कहा है तो वो जरूर आएंगे अब्दुल रहमान। अंधेरा होने से पहले हमें शहीदों की तदफीन करनी होगी वालिदा। आ जाओ मेरी बच्ची। या अल्लाह। सबको मार दिया था हमने, काई कबीले के कालिन भी जला दिए थे। तुर्कुत को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। भाई, ये आपने क्या किया? अगर तुख्तमिश साहब के कत्ल में भी आपका हाथ हुआ तो इस मुश्किल में हमारी मदद फरमाइए यार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। काई कबीले जाना है, रास्ता बता सकते हैं? वहां क्या काम है तुम्हें? अर्तुरुल साहब को कोई खबर देनी है। किसकी तरफ से? मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अर्तुरुल मैं ही हूं। तुम बताओ तुम कौन हो? मैं चावदार कबीले के सरदार जानदार का फर्जन, नाम है अलियार। क्या खबर है बताओ मुझे। सरदार जानदार आप लोगों को
मधु करना चाहते हैं खाने पर। मेरे काफी जंगजू शहीद हो गए, उनका गम अभी ताजा है। अपने वालिद जानदार साहब को मेरा सलाम कहना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। भाई, आपको बाबा की दावत कबूल कर लेनी चाहिए ताकि हमारे हवाले से आपको किसी किस्म का शक व शुबा बाकी न रहे। उराल साहब गुज़श्ता रात कबीले में थे। कबीले में ही थे भाई, मेरे बाबा असलिहान, मेरी बहन और मेरी भाभी सब साथ मौजूद थे बाबा की औताक में। मैं शाम में तालीम हासिल कर रहा था, कुछ दिन पहले ही आया हूं। शुक्र है इन लोगों में से कोई भूला नहीं है मुझे। भाई, जानता हूं भाई के गाहक ने आपसे सौदा किया था। मैं समझ सकता हूं आपको उन पर शक है, लेकिन यकीन करें मेरी बात का, भाई इसमें मुलविस नहीं है। तुम्हारे बाबा इसलिए मुझे बुलाना चाहते हैं ताकि ये वजाहत दे सके। बाबा ने मुझसे कहा था कि वो आपको इस वाक्य से पहले ही दावत पर मधु करना चाहते थे। वो बहुत इज्जत करते हैं आपकी, उन्होंने इसलिए किसी कासिद को नहीं मुझे खुद रवाना किया है। वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक अजीम जंगजू इंसाफ के हामी हैं। कबूल कर लें। उन्हें बता देना कि उनकी दावत कबूल कर ली है मैंने। बहुत शुक्रिया भाई। बतुआन का खंजर मौजूद नहीं। अर्तुरुल खंजर के बारे में नहीं जानता था कुछ, उसका काम नहीं है ये। और कौन हो सकता है फिर? सिर्फ पेट्रूस के पास ही इस बात का जवाब हो सकता है। उसे आज रात बुलाओ इबादत के लिए। जो आपका हुक्म सिमोन साहब। शहीदों के इसाले सवाब के लिए अल्फातिहा। वालिदा अर्तुरुल अभी तक नहीं आए। आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। देखो आ गया। ये पांच कब्रें हैं, पांच शुहदा की कब्रें जो इस जिहाद में हमारे पहले शोहदा है। जान लें कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा। आज हम बहुत सोगवार हैं इन शोहदा की तदफीन के वक्त। जब तक हम इस सरजमीन पर अल्लाह का कानून पूरी तरह नाफिज नहीं कर देते, उस वक्त तक जुल्म के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा हमारा। याद रखना, हम पर मुश्किलात के मजीद पहाड़ तोड़े जाएंगे।
लेकिन हम लोग दुश्मन के इन मजालिम के खिलाफ अपना सर नहीं झुकाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जिहाद करना पड़े हजारों साल, लेकिन दुश्मन की ताकत को हावी नहीं होने देंगे खुद पर, और ना ही उसकी साजिशों से घबराएंगे। और इस मकसद के हुसूल के लिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा हमेशा। हम तारीख की सबसे ज्यादा तकलीफ दे और अजीम जंग में दाखिल हो चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी कायनात की तरह यह सरजमीन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत है। बहुत मुश्किलात देखी हैं हमने, अब हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी है। यहां अल्लाह अपनी राह पर चलाते हुए अपने इस अजीम मकसद के हुसूल में मुझे और मेरे कबीले को शहादत की मौत नसीब करे। आमीन। अल्लाह हमारे मकसद को आसान फरमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर। 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 क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ। वो खंजर नहीं मिल सका भाई। जो एक खंजर की हिफाजत ना कर सके वो जंगजू बनने के काबिल नहीं। दफा हो जाओ यहां से। आपको इस खंजर की तलाश है ना? हाँ। कई जंगजुओं का खून अब भी लगा है इस खंजर पर, हो सके तो साफ कर लें इसे। इसे साफ करने से हो सकता है आपके जमीर पर लगी खलासत भी साफ हो जाए। कैसे भाई, कैसे? आलियान, मुझ पर इल्जाम लगाते हो, क्या जानते हो तुम? हद में रहो अपनी। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अपनी हद पार ना करो। मैं और बाबा आपका किया धरा जानते हैं भाई। आलियान भाई, जाओ यहां से। क्यों खड़े हो यहां? वाह 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 आलियार, तुम तो आलिम बनने गए थे लेकिन तुम तो मंगोलों की तरह वहशी हो गए हो। मेरे करीब मत आना भाई, सब आपकी खसलत से खूब वाकिफ है। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम कहना क्या चाहते हो? उराल, आलियार, अंदर खेमे में आओ मेरे पास। बहुत हो गया बाबा, आप भी आलियार की बात पर यकीन करते हैं? अपने भाई के बहुतान कब तक बर्दाश्त करूं मैं? क्या हो रहा है ये सब? बताओ क्या जानती हो तुम?
मैं ऐसा क्या जान सकती हूँ जो आपको ना मालूम हो चौलपान खातून? बाबा, हकीकत क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं उरान। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इंसान कहा जाए, और सबसे बड़े दुश्मन हो तुम इस कबीले के। अगर तुम मेरी पहली औलाद ना होते तो मैं वक्त जाया किए बगैर तुम्हें अपने हाथों से मार देता। बाबा, आलियार ने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारे बहुत से सिपाहियों की भी। जानते हो कि किस तरह? तुम्हारे वफादार बतूहान का वो खंजर इसने अर्तुरुल के हाथ लगने से बचाया है। अर्तुरुल बिल्कुल भी तुम्हारी तरह अहमक नहीं है औराल। दुआ है कि वो मेरी बात मान ले कि तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है। कल जब वो यहां आए तो तुम्हें और तुम्हारी जोजा को उनके साथ अदब व एहतराम से पेश आना है। तुम उन्हें वो मकाम दोगे जिसके वो हकदार हैं। समझ गए मेरी बात? जी। भाई, आलियार तुम भी जाओ यहां से। दरवाजा खोल। काफले पर जिसने हमला किया था वही कोरपिनार में भी मौजूद था। वो बाजार से हमारे ताकुब में था। जो कदम भी हम उठाते हैं उस पर उसकी नजर होती है। आर्तुक भाई, साफ जाहिर है कि कोई शख्स ऐसा है जो हकीकत सामने आने पर खौफ सता है। भाई, सरदार जानदार के कबीले से शुरू होता है हर मामला, और सराय की मध्यम रोशनी उसका अंजाम बताती है। हम अर्तुरुल को उसके जंगजुओं के कातिल तक पहुंचाएंगे। किसी भी कीमत पर दोनों मुसलमान कबाइल को आपस में लड़वाना है हमें। भाई भाई का खून बहेगा। तुम्हारे पास ईद उल फस तक का वक्त है सीमोन। अगर उस वक्त तक अर्तुरुल मारा नहीं गया तो फिर हमें यहाँ किसी और को तैनात करना पड़ेगा। सरदार जानदार ने काफले पर हमला करने वाले तमाम सिपाहियों को जान से मार दिया। और तुम्हें क्या हुक्म दिया? शराकत दारी की ख्वाहिश हमारे कबीले के साथ ही क्यों आखिर? हिरन खुद शिकार के पास नहीं आता वालिदा, इस पेशकश की एक वजह है।